हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। आलू मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने अपना सामान पूरा तैयार कर लिया है, जिसमें एक लिया है हमने टमाटर, एक लिया है हमने प्याज पीसने के लिए। एक प्याज, ये वाली प्याज डालेंगे हम छौंक में, ये वाली को हम पीसेंगे। अदरक लहसुन इस मसाले को हम पीस लेते हैं। 2 बड़े आलू, 250 ग्राम मटर, धनिया पत्ती, जीरा साबुत। अभी हम अपने मसाले को पीस के कर लेते हैं तैयार। मसाला पीसने के लिए हम पहले अपने मसाले को काट लेते हैं, उसके बाद आपको फिर दिखा दें। ये देखिए दोस्तों, मेरा मसाला पीस के हो गया तैयार। अब हम इसमें डाल लेते हैं कुछ मसाले। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब हमने अपना मसाला कर लिए हैं तैयार। अब हम गैस ऑन कर देते हैं। गैस पर रख दिया है हमने कुकर, और गैस को कर देते हैं हम। गैस पर रख लिया है हमने कुकर, गैस को कर देते हैं हम ऑन। देखिए दोस्तों, इसमें डाल लेते हैं तेल 2 चम्मच। ये देखिए दोस्तों, हमारा तेल हो रहा है गरम, तकरीबन हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं जीरा, साबुत जीरा, कटा हुआ बारीक कटा हुआ प्याज, चला देते हैं अच्छे से। गोल्डन होने तक हम प्याज को भून लेते हैं। अभी हमारी प्याज भून रही है दोस्तों, हमारी प्याज हो गई है गोल्डन। अब हम इसमें डाल देते हैं मसाले जो हमने पीस के तैयार करके रखे थे। मसाले डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिला देते हैं। ये देखिए, मिला दे, इसको हम ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक हमारा मसाला पक जाए। ढक देते हैं इसे, ढक के रख दिया। गैस की फ्लेम कम कर दिया हमने कम। दोस्तों अब हम चला के देख लेते हैं अपनी सब्जी को। ये देखिए दोस्तों, हमारा मसाला भून चुका है। ये देखिए तेल आ गया ऊपर। दोस्तों आज मेरे पास कोई फ़ोन पकड़ने वाला कैमरामैन नहीं है, मैं अपने हाथ से फ़ोन पकड़ रही हूँ, हाथ से चला रही हूँ, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। ये देखिए, मैंने अपने हाथ से पकड़ रखा है। अब हम इसमें डाल लेते हैं छिले हुए मटर। हमारा मसाला भून के तैयार है। छिले हुए मटर, टमाटर, जो हमने आलू काट के रख रखे थे, हमने आपको दिखाया था आलू, आलू कटे हुए, आलू में 2-4 हरी मिर्च। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए हमारी सब्जी का कलर अच्छा हो गया है, क्योंकि अभी हमने इसमें मसाले में सिर्फ आलू को डाला है, मटर को डाला है। ये देखिए हमारी सब्जी भुन रही है। भुनने के बाद सब्जी को अच्छे से भून लेते हैं, इसको ढक देते हैं। ढकने के बाद फिर इसमें हम दिखाते हैं आपको। दोस्तों हम अपनी सब्जी को एक बार चला के देख लेते हैं बीच में। ये देखिए भून गई है हमारी सब्जी अच्छे से। ये देखिए तेल ऊपर आ गया अच्छे से। ये देखिए अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। टमाटर को अच्छे से हम इसमें मिला लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, और हम इसे ढक के रख देते हैं ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए धीमी आग पर। ये देखिए, देखो दोस्तों मेरी सब्जी भून के हो गई है तैयार। अभी हम इसमें डाल देते हैं पानी। ये देखिए आप जैसे अपने हिसाब से रखो जैसे पानी डालना। ये देखिए मेरी सब्जी भून गई है, और अभी मेरी हेल्प करने के लिए आ गई है मेरी बेटी, मेरा कैमरा पकड़ने के लिए, क्योंकि मुझसे अकेली से हिल हिल के मैंने सब्जी बड़ी मुश्किल से आज की है। तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल लेना, आप जितना पानी पसंद करते हैं, तरी वाली या थोड़ी छपछपी। मेरे घर में हम लोग तो तरी वाली बनाते हैं ज़्यादातर। तो देख लीजिएगा, मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ नमक। पानी डालने के बाद डाल देती हूँ मैं इसमें नमक 1 चम्मच, या फिर आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल दें। नमक डाल दिया मैंने इसमें, इसको अच्छे से हिला देती हूँ।
डाल दिया है आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, और इसको मैं ढक के रख देती हूँ कम, बिल्कुल कम गैस पे। 5-10 मिनट में मेरी सब्जी बन के तैयार। देखो दोस्तों, एक बार आपको चला के दिखाती हूँ, मेरी सब्जी बन के तैयार। ये देखिए, इसमें डाल देती हूँ धनिया पत्ते जो मैंने अभी काटे थे, धनिया पत्ता डाल दिए। ये देखिए मेरी सब्जी बन के तैयार हो गई है तैयार, और खाने वाले भी हैं तैयार। ये देखिए बन गई मेरी सब्जी। मैं आपके लिए रोज़ वीडियो बनाती हूँ, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज। ये देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी बन के है तैयार, बन गई है।